हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतेश मौर्या। चलिए हम लोग यहाँ पर इसके लेंथेनॉइड्स के केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, लिखा गया है जो इनिशियल मेंबर होते हैं, ठीक है। कहा गया है यहाँ पर जो इनिशियल मेंबर होते हैं अर्लियर मेंबर, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है अर्लियर मेंबर, ठीक है। जो अर्लियर मेंबर होते हैं, शुरुआती दौर के जो मेंबर होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी किसके समान होती है? कैल्शियम, ठीक है। उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो कैल्शियम से मिलती जुलती है, इनिशियल मेंबर जो होते हैं। और बताया कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता चला जाता है, विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आप कह सकते हैं दे बिहेव लाइक, वो किसकी तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं? एल्यूमिनियम की तरह। तो आपको याद क्या रखना है यहां पर, कभी हो सकता है सेंटेंस पूछ लिया जाइए, जो अर्लियर मेंबर होते हैं लेंथेनॉइड्स के, उनकी रिएक्टिविटी कैल्शियम की तरह देखने को मिलती है। कैल्शियम जितना रिएक्टिव होता है लगभग उतना रिएक्टिवनेस उनका होता है, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ने लगते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है और इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? एल्युमिनियम की तरह होने लगती है। ये तो वहां पर दो सेंटेंस लिखा गया जो आपको याद रखना है। अब आपको याद ये रखना है, पूरे लेंथेनॉइड्स को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एलन कर दिया जाता है, ठीक है। पूरे लेंथेनॉइड के मेंबर को हम लोग सॉल्ट में एलन से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि केमिकल रिएक्शन जो वहां पर बताई गई है एनसीईआरटी, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बताया कि आप किसी भी लेंथेनॉइड्स की रिएक्शन जब आप किसी एसिड से कराओगे, विथ एसिड, ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन एसिड से कराओगे, ये क्या करता है? हाइड्रोजन को रिलीज करता है, एसिड से रिएक्शन करके वहां पर हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, ठीक है। तो एसिड से रिएक्शन करेगा तो H2 रिलीज करता है। अगला बताया कि आप इसको जलाओ, ठीक है, बर्न्स इन O2, आप इसको ऑक्सीजन में जलाना शुरू कर दो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसको जलाना शुरू कर दो, ये क्या करेगा? ऑक्साइड बनेगा। और किस टाइप का ऑक्साइड बनाता है? 23 Al2O3, इसको लोग याद कर सकते हैं, 23 टाइप का क्या करते हैं, ठीक है, ऑक्साइड बनेगा, Al2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको लोग जलाते हैं। फिर बताया गया अब हाइलोजन से रिएक्शन करके देख लेते हैं। कहा गया विथ हाइलोजन, अगर हम लोग हाइलोजन से रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएगा? रिएक्शन करके बताया LnX3 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। किस टाइप के? LnX3 टाइप के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है। ये हुआ, चलो ठीक है, एक काम ये करते हैं हम लोग वहां पर सल्फर से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, हीटेड विथ सल्फर, ठीक है। सल्फर किसके साथ उसको क्या करते हैं? हम हीट करते हैं। तो यहां पर भी क्या बताएगा वो? Ln2S3। एक सिंपल सा देखो, ऑक्सीजन के साथ किया तो क्या हुआ? ऑक्सीजन और सल्फर सेम फैमिली के मेंबर है। ऑक्सीजन के साथ किया तो यहां पर Ln2O3 बनाया, सल्फर के साथ हीट किया तो यहां पर भी क्या करता है? Ln2S3 बना लेता है। तो ऑक्सीजन सल्फर वाला तो याद हो गया, ठीक है, हैलोजन के साथ तो LnX3 बनाया, और एसिड से करता है तो हाइड्रोजन निकलता जाता है, हाइड्रोजन निकलता जाता है। अब बात करते हैं, चलो नाइट्रोजन से भी करा लेते हैं हम लोग यहां पर, हीटेड विथ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ हीट कर दिया। तो बताया कि ये क्या करता है? LnN टाइप के नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्या करता है? LnN टाइप के नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। फिर कहा क्या, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन लोग कार्बन से कर देते हैं, विथ कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, टेम्परेचर एनसीईआरटी में लिखा गया 2773 केल्विन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया तो वहां पर कार्बन के साथ इस बार रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, कार्बन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है, कार्बन के साथ क्या होने वाला है। कहा गया ये कार्बाइड बनाएगा, कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बाइड्स का फॉर्मेशन कर देता है। और किस टाइप के कार्बाइड्स आपको मिलेंगे, ठीक है, किस टाइप के कार्बाइड्स आपको मिलेंगे, इस पे हम लोग को थोड़ा फोकस करना है यहाँ पर। कहा गया यहाँ पर आपको मिलेगा LnC2, या फिर आपको LN3C, या फिर आपको यहाँ पर LN2C3 टाइप के कार्बाइड्स आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। तो आपको इतने टाइप्स के कार्बाइड्स वहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, चलो वाटर से भी रिएक्शन करा लेते हैं, ठीक है, वाटर से भी रिएक्शन करा के देख लेते हैं क्या हो जाएगा। विथ वाटर, कोई लेंथ उठाया उठाया वाटर में डाल दिया, वाटर के साथ ये क्या करते हैं वहाँ पर, ठीक है, आपको बताया सब मेटल ही तो होते हैं, और मेटल क्या बनाना पसंद करते हैं? वो अपने हाइड्रोक्साइड बनाना पसंद करते हैं। तो कहा गया हम वाटर में डालते हैं तो वो LnOH का होल थ्राइस टाइप का हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड हुआ तो इसका मतलब क्या बन गया वहां पर? बेस बन गया। तो चलिए एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ की यहीं पर देख लेते हैं। कहा गया अगर बेसिक स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें
ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एल ए से एल यू जाओगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, एल ए से अगर एल यू आप जाते हो, लेंथनम से एल यू तक तो आप जाते हो, मतलब कि क्रम से हम लोग सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे आगे जाओगे वो घटता चला जाता है, ठीक है, ये याद रखना है, बेसिक स्ट्रेंथ इसका घटता चला जाएगा जैसे जैसे आप मेंबर में आगे जाओगे। तो एक बार फिर से याद करते हैं, एसिड से और एच टू, ऑक्सीजन से एल एन टू ओ थ्री, सल्फर के साथ हीट किया तो एल एन टू एस थ्री, नाइट्रोजन के साथ तो एल एन एन टाइप के नाइट्राइड, कार्बन के साथ कार्बाइड, कौन कौन से कार्बाइड बना सकता है, एल एन सी टू, एल एन थ्री सी, एल एन टू सी थ्री, ठीक है, फिर बताया हैलोजन से रिएक्शन करा देते हैं, एल एन एक्स सी टाइप के हैलाइड बनाता है, फिर बताया कि वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे एल एन ओ एच का होल थ्रायस प्लस एच टू बनाएगा, और आपको पता है अगर बेस बन रहा है वहां पर, तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो क्या बताओगे आप, एल एस एल यू जाओगे, बेसिक स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा, ठीक है, तो यहां पर होगी इसकी केमिकल रिएक्शंस जो कि आपको याद रखना है। चलिए हम लोग यहां पर बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज एप्लॉक एलिमेंट की, ठीक है, यहां पर हम लोग बात करते हैं कि ये एलॉक का फॉर्मेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बताया कि अगर लेंथेनोइड्स की बात करते हैं, इनका सबसे बेस्ट यूज अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है, तो एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, और उसमें भी अगर एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल एलॉय का, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर मिश्र मेटल, ठीक है, मिश्र मेटल एक एलॉय होता है, लेंथेनॉइड्स का एलॉय होता है, और आपसे अगर पूछा जाए ये किससे मिल करके बना होता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर लेंथेनॉइड्स होते हैं, लेंथेनॉइड्स मेटल पाए जाते हैं मिश्र मेटल, ठीक है, इसको कौन कौन बनाता है आप बताओगे, लगभग 95% के आसपास वहां पर लेंथेनॉइड्स होते हैं, ठीक, और कौन पाया जाता है, बताया गया वहां पर आयरन पाए जाते हैं, और आयरन की परसेंटेज लगभग 5% के आसपास होता है, ठीक है, इसके अलावा भी वहां पर और आपको और क्या देखने को मिलता है, बताया गया वहां पर आपको सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम भी आपको वहां पर नजर आता है, तो मिश्र मेटल क्या होता है ये आपको याद रखना है, थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मिश्र मेटल क्या हो जाता है बताओ, कि लेंथेनॉइड्स का एक एलॉय है जिसमें लेंथेनॉइड मेटल्स होते हैं लगभग 95% के आसपास पाए जाते हैं, आयरन की परसेंटेज लगभग 5% होती है, और थोड़ा बहुत मात्रा में आपको वहां पर सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्युमिनियम भी दिखाई देता है, ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं इसको आगे लेकर के चलते हैं, यहां पर इसकी डेंसिटी की बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं यहां पर डेंसिटी, ठीक है, लेंथेनॉइड की डेंसिटी की बात करते हैं, तो यहां पर बताया गया अगर एल ए से एल यू तक जाते हैं हम लोग, ठीक है, एल ए से लेकर के एल यू तक जाते हैं, तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, आप क्या बताओगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन होगा जिसकी वजह से यहां पर डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है, ये याद रखना है, डेंसिटी इंक्रीजेस, रीजन क्यों हो रहा है आप बताओगे, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, ड्यू टू लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, सीरीज में हम लोग अगर एल ए से एल यू जाते हैं डेंसिटी बढ़ने लगता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, अगर कभी पूछ लिया जाए डेंसिटी क्यों बढ़ता है, तो आप उसका रीजन आपको बस एक ही रीजन बताना है, वह है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए यहां पर अगली सीरीज की हम लोग बात करते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर हम लोग दूसरी सीरीज बात करते हैं, यहाँ पर एब्लॉक का, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है, एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग 5F सीरीज के नाम से जानते हैं, जैसे लेंथेनॉइड्स को हम लोग क्या कहते थे 4F सीरीज, वैसे यहाँ पर इसको हम लोग 5F सीरीज के नाम से जानते हैं, फिर सवाल उठता है 5F सीरीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप बताओगे कि यहाँ पर आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर इंटर करता है, 5F सबशेल के अंदर इंटर करता है, इसी के बेसिस पे उनको हम लोग कह सकते हैं 5F सीरीज। अब इसकी पोजीशन की हम लोग बात करते हैं, पोजीशन की अगर बात करते हैं तो हम लोग चलते हैं एक बार फिर से थर्ड वी ग्रुप डी ब्लॉक के पहले ग्रुप में, और आते हैं इस बार हम लोग 6th नहीं 7th पीरियड में आते हैं, और 7th पीरियड में आपको यहाँ पर एक्टिनम दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक्टिनम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको पता केवल ये नहीं पाया जाता, इसके अलावा 14 लोग और पाया जाते हैं, अब ऐसा कह सकते हैं अगर इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं ऐसा कॉइन्स रखना शुरू कर दे, एक पहला कॉइन्स होगा जो कि एक्टिनम का होगा, इसके अलावा 14 कॉइन्स और इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रख दिए जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं, एक्टिनम को छोड़ करके इसके अलावा जो होते हैं सबको एक्टिनॉइड्स कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए एक्टिनॉइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि आप बताओगे जो 14 एलिमेंट यहाँ पर और रखे जाते हैं उन सबकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, इस एक्टिनम से मैच करती है, एक्टिनम से मैच करने की वजह से ही उसको हम लोग एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको हम लोग वहां पर एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो 14 यहाँ पर रखे जाते हैं उसको हम लोग वहां पर एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं,
ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और कुछ यहाँ पर जनरल बातें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं सबके सब क्या क्या होते हैं, यहाँ पर रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। जितने भी एक्टिनॉइड्स होते हैं सबके सब क्या हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, सबके सब क्या होते हैं, नेचर में रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको यूरेनियम तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऊपर से लेकर के यूरेनियम तक आप बात करोगे, जितने भी होते हैं सबके सब वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं, मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूँ, अगर बेसिक नेचर की बात करते हैं, बेसिक नेचर, तो आप यहाँ पर ये बताओगे, अगर बेसिक नेचर की बात करते हैं तो आप बताओ, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है, ये ज्यादा बेसिक होते हैं इन कंपैरिजन टू लेंथेनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड्स के हाइड्रोक्साइड की तुलना में जो एक्टिनॉइड्स के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं। कुछ जनरल बातें हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई यहां पर। अब इसकी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यहां पर। चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं। और यहां पर सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखते हैं यहां पर क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको याद रखना है यहां पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5F6T और 7S के रूप में हम लोग देखते हैं, क्योंकि लास्ट का ही हम लोग यहां पर देखते हैं। तो 5F की बात करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन के नंबर 0 to 14 हो सकते हैं। ठीक है, 0 से 14 हो सकते हैं। और 6T की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जो नंबर हैं वो 0 to 2 हो सकता है। और 7S ये सबसे सही है, ठीक है, इस पर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 7S2। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस सबका चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 5F 0 to 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इसके रेंज का कुछ भी। और 6T की बात करते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन 0 to 2 0 भी हो सकता है, 1 2 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और 7S की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग को याद रखना है। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग यहाँ पर। चलिए यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर TH जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90 से लेकर के 103 तक, ठीक है, एलिमेंट्स यहाँ पर रखे गए हैं एक्टिनॉइड सीरीज में। आज हम लोग उसी का क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम लोग उसको 5F 6T और 7S में जाकर के देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही करके एक एक करके हम लोग सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर TH की बात करते हैं, 90 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है जो आपकी NCERT में दिया गया है, कहा गया कहने के लिए तो इसको हम लोग F ब्लॉक में रखते हैं, लेकिन F सबशेल में यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, थोरियम के केस में 90 होता है, 5F0 होता है, 6S2 और यहाँ पर 7S2 इसका चलता है। ठीक, ऐसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अगले मेंबर की बात करते हैं, यहाँ पर PA की। PA के बारे में यहाँ पर बताया गया 5F2 पाया जाता है, 61। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 7S, मैंने आपको बताया था 7S का याद रखना हमेशा 2 ही होगा, ठीक है, 7S2 ही होगा। यूरेनियम की बात करते हैं यू की, यहाँ पर 5S3, ठीक है, 61 और 7S2, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं यहाँ पर NP के पास, ठीक है, NP के पास आते हैं तो यहाँ पर एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ से 0 था, अगले में क्या हो जाता है, डायरेक्ट 2 हो जाता है, 2 के बाद 3 4, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि हम लोग देखते हैं 5F4 61 7S2, ठीक है, ऐसे हम लोग यहां पर PU के पास चलते हैं। तो ध्यान रखना है यहां पर PU की ये खास बात है, यहां पर 5F5 नहीं आएगा यहां पर, अब यहां पर 5F6 आ जाता है, उसके बाद यहां पर 6T0 ये वाला भी इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। और आगे जो एक स्टेप मतलब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन मिलता है वो भी F में आता है, यहां पर 7S2। ऐसे ए एम की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ए एम की बात करते हैं तो यहाँ पर 5F7, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 6T0, टी जीरो चल रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 7S2। ऐसे सी एम की बात करते हैं, सो यहाँ पर कितना है 5F7, ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक बार फिर से ये अपने
हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ना पसंद नहीं करता है। यहाँ पर भी क्या करता है, ये 5F7 ही रखता है, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको डी में भेज देता है, क्योंकि ये चाहता है कि मैं कितनी देर तक 5F हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन में बना रहूँ। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जाहिर सी बात है अब इनको अपना नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5F8 नहीं आता है, डायरेक्ट 9 आ जाता है, 6 वाला भी इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, तो 6 का 0 हो जाएगा, 6D0, और 7S2 तो चलेगा ही चलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आते हैं सी एफ के पास आते हैं, तो यहाँ पर भी देखते हैं 5F6D7S7S, तो आपको पता है 0 ही होगा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 10, आने वाले इलेक्ट्रॉन एफ में आता जा रहा है, डी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है। फिर ई एस की बात करते हैं, यहाँ पर 5F क्या हो जाएगा, 10 के बाद नंबर आ जाएगा 11 6D0 7S2। उसके बाद एफ एम का फिर एक बार फिर से 5F12 6D0 7S2। ठीक है, अगला हम लोग एम डी की बात करते हैं। ठीक है, एम डी की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एफ में बढ़ता चला जाएगा, 5F13 6D0 7S2। ऐसे हम लोग बात करते हैं एन ओ की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बार 5F14 6D0 7S2। अब देखो एफ वाला आपको दिख रहा है पूरा कंप्लीटली फिल हो गया है। जब ये कंप्लीटली फिल हो गया तो आपको पता है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता, ये तो पूरा कंप्लीटली फिल हो गया, तो 4F14 तो होगा ही, जो इलेक्ट्रॉन आया वो कहाँ पर चला जाएगा, डी में 7S2। ये इसका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। देखो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको बताऊँ, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो एलिमेंट्स है क्रमशः आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 02 21 31 41 60 70 71 फिर 90 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 41, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस करते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था टी एच से लेके एल आर तक, ठीक है, यहाँ पर एक्टिनॉइड्स पाए जाते हैं 90 एटॉमिक नंबर से लेकर के 103 तक यहाँ पर पाया जाता है। इसको याद करने का तरीका, हम लोग ऐसे कोड याद रखते हैं, थी पागल उमर नापते पूरा अंबर, कमी वक्त की काफले इस फिजा में मदारी नहीं ला रहा। ठीक है, इस ये कोड आपको पूरा याद होना चाहिए कि थी पागल उम्र नापते पूरा अंबर, कमी वक्त की काफले इस फिजा में मदारी नहीं ला रहा। ठीक है, थी थोरियम को हम लोग क्या करते हैं, थी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पागल अगला मेंबर जो है, ठीक है, वो पागल PA, उमर को हम लोग यहाँ पर, ठीक है, यूरेनियम को उमर से यू लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, फिर NP को हम लोग यहाँ पर कोड लिखे हैं नापते NP पूरा, ठीक है, पूरा यहाँ पर PU, अंबर AM, कमी CM कमी, ठीक है, वक्त की काफिले काफिले, ठीक है, काफिले CF, इस फिजा में, FM का मतलब क्या, फिजा में मदारी MD मदारी नहीं NO नहीं ला रहा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एल। तो अगर आपको ये पूरा कोड पता है, ठीक है, कि कौन कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, किसके लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन, आप अगर ये याद कर ले जाते हो तो आपको अगर पता चल जाएगा, अगर कह दिया जाए अंबर, ठीक है, अंबर कौन से कोड पे आ रहा है, थी पागल उमर नापते पूरा अंबर, अंबर को हम लोग AM से, अगर कभी आपको AM मिल जाए तो आपको ये पूरा पढ़ना है और देखना है AM के लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर कोड हमारा अंबर, ठीक है, कौन से नंबर, 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है। तो आपको कैसे याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, आप बताओगे सबसे ऊपर का 02, क्योंकि 7 या 7 या 7 है सब में कॉमन, ठीक है, ये तो आपको याद ही नहीं रखना है, आपको यहाँ पर 5F और 6D का याद रखना है। तो पहले में मैंने बताया 02, अगले में, ठीक है, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, ठीक है, मतलब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, और जो एक स्टेप नीचे जाता है इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो भी एफ में आ जाता है। अब बताओगे 02 21, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते, 3 1 4 1, अब देखना है 5 का आया भाई, यहाँ पर 5 मिसिंग है, 5 यहाँ पर मिसिंग है, डायरेक्ट 6 आ जाता है, क्योंकि जैसे एक एक स्टेप हम लोग बढ़ते थे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता था, लेकिन यहाँ पर 2 आपको दिख रहा है एफ में, इसका मतलब कहाँ से आया, एक तो जो एक स्टेप बढ़े हैं वो आया है और दूसरा डी वाला भी आ गया, तो 4 1 के बाद 6 0, 6 0 के बाद 7 0, ठीक है, 7 0 के बाद 7 1, 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 41। एक बार फिर से देखते हैं पहला क्या होगा, अब बताओ 02 21 31 41, 5 वाला मिसिंग है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 60 70 71, 8 वाला पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, अब क्या बताओगे 9 पाया जाएगा, 90, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 10 0, फिर क्या 11 0 12 0 13 0 14 0, अभी एक बचा है 14 1। तो आपको क्रमशः ऊपर से नीचे याद रखना है, उसके बाद ये कोड याद रखना है, इसमें से कोई एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बताओ इसका क्या है, तो आपको सबसे पहले ये कोड से देखना है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, जैसे अगर बीके का पूछ लिया जाए, बीके का बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन होगा, तो आपको क्या करना है, पहले यहां से देखना है ऊपर से चौथे नंबर पे आता है, थ्री पागल उमर नापते पूरा अंबर कमी वक्त की आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बीके को, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में पकड़ रहा है, ठीक
एक आठवें पे पढ़ रहा है, और अगर आपसे पूछा जाए आठवें पे कौन से नंबर का कॉन्फिग्रेशन आएगा, आप खुद एक बार सोचो। आप बताओगे 0 2 पढ़ा पहला, दूसरा क्या आया 2 1, फिर उसके बाद 3 1, उसके बाद 4 1, उसके बाद क्या आ जाता है पांचवें पे आएगा 6 0, फिर छठे पे आएगा 7 0, फिर 7 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 9 0, और 9 0 कौन से पे आ रहा है आठवें पे तो आ रहा है, ठीक है 9 0 आठवें पे आया आपका, ये हो जाएगा 9 5 9 60 0 7 2। तो आपको ये याद हो जाएगा। तो उसके बाद आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, लास्ट टाइम एग्जाम के एक दिन पहले ये देख के जाया जाता है, ठीक है, और आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी के केस में यहाँ पर ये बताया गया कि जैसे हम लोग लेफ्ट जाते हैं यहाँ पर ग्रुप सीरीज में आके, ठीक है, टॉपिक नंबर के साथ बढ़ते चले जाएंगे, वहां पर डेंसिटी बढ़ने लगती है। तो आपके यहाँ पर क्या लिखा गया, एक्सेप्ट थोरियम, ठीक है, अगर टी एच को हम लोग छोड़ दें, ठीक है, एंड अमेरिकम जिसको हम लोग ए एम कहते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं ऑल आर हैव हाई डेंसिटी, ठीक है, अगर इन दोनों को हम लोग ऐसे छोड़ दें, इसके अलावा जितने भी होते हैं सबके साथ क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी सबकी पाई जाती है, ठीक है, डेंसिटी के केस में हुआ, एक सिंपल सा था। फिर अगली प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर कलर, ठीक है, कहा गया क्या इनके पास कलर आता है, ठीक है, क्या एक्टिनोइड्स कलर रखते हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको ये कहना है कि हाँ ये कलर रखते हैं। फिर आपसे पूछा जाए क्यों रखता है, तो इसका रीजन आपको याद रखना है ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन, ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से ये कलर रखते हैं। जैसे डी ब्लॉक वाले किसकी वजह से रखते थे आप बताओगे, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, वैसे एफ ब्लॉक वाले कैसे रखते हैं, ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से रखते हैं। चलिए अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अगली प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको क्या याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के केस में आप बताओगे सबके सब क्या हो जाते हैं, हाई होता है, ठीक है, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, वो क्या हो जाता है बहुत ही ज्यादा हाई पाया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ के आते थे लैंथेनॉइड्स में क्या होता था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, वैसे एक्टिनॉइड्स में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन होता है। कहा गया यहाँ पर अगर टी एच से थोरियम से लेकर एल आर तक हम लोग जाते हैं तो क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने लगता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, आपको जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाता है, और जिसकी वजह से साइज क्या हो जाती है, चाहे वो एटॉमिक हो चाहे आयनिक साइज, वो घटती चली जाती है। फिर अगर आपसे पूछा जाए आपकी साइज क्यों घट रही है, तो आपको याद क्या रखना है, आप बताओगे ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, कौन से कॉन्ट्रेक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से साइज क्या हो जाती है, ग्रेजुअली घटने लगती है। फिर अगर आपसे पूछा जाए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन होता क्या है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इम्परफेक्ट या फिर कह सकते हैं पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन, 5f इलेक्ट्रॉन के अंदर जो 5f सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनसे उम्मीद ये रहती है कि वो अच्छा रिपल्शन फोर्स लगाएंगे 5 6d और 7s के ऊपर, लेकिन इनकी दूरी इतनी होती है, इस सबशेल की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होते हैं, इतना बड़ा साइज होता है उसका, जिसकी वजह से क्या हो जाता है वहां पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, वो ज्यादा रिपल्शन लगाते नहीं है, ज्यादा रिपल्शन लगाते नहीं है तो वहां पर आप बताओगे जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, रिपल्शन फोर्स कम होगा, तो रेडियस घटती चली जाती है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हम लोग दो चीजें पढ़ के आ रहे हैं, एक अभी पढ़ के आ रहे हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ के आ रहे हैं यहां पर लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्शन, अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से, इन दोनों कॉन्ट्रेक्शन में से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन कौन सा है, तो आप बताओगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन कम होता है। फिर आपसे अगर पूछा जाए ये क्यों होता है, क्योंकि आप बताओगे यहाँ पर 5f में बहुत ही पुअर शील्डिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन काफी ज्यादा हो जाता है लेंथेनॉइड की तुलना में। तो ये था यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट जो कि हम लोग पढ़ना था, एनसीईआरटी के हिसाब से जितना दिया था हम लोग उसको कंप्लीटली कवर कर चुके हैं, ठीक है।